एनडीएमसी एरिया के सबसे बड़े आरडब्ल्यू के प्रधान कहे जाते हो और आज आपके ही थाना मंदिर मार्ग में हाथ से कब सम्मेलन का आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे कि मेरे जीवन काल में देखा गया है कि मैंने इस तरीके की एक्टिविटी थाने में पहली बार देखी है और बहुत सारे लोगों को हंसते हुए खुश होते हुए देखा है, क्योंकि इस तरीके की जो एक्टिविटी है खेलकूद की या जो हमारे SHO साहब या मंदिर मार्ग थाने ने जिस तरीके की ये एक्टिविटी कराई है, इससे काफ़ी लोग प्रशंसा अंदर भी कर रहे थे, अभी बाहर भी लोग चर्चा यही कर रहे थे कि भाई इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि जो नई भर्ती अभी मैं देख रहा था, कुछ नए भर्ती के भी कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको अप्रिशिएट मिलता है कि भाई जो पुलिस हमारे लिए रात बिरात को काम कर रही है उसकी सेहत भी हंसने बोलने से और खेल कूद की एक्टिविटी से अच्छा माहौल बना हुआ है मंदिर मार्ग थाने में। जब से हमारे सतविंदर साहब इधर आए हैं और जगह जगह हम देखते हैं बैरिकेड और सुबह भी वो तैनात रहते हैं, जो हमारा तालकुटरा स्टेडियम है उसके आसपास और मार्केटों में देखते हैं, उनकी अपनी पूरी टीम के साथ सक्रिय रहते हैं। तो सर, मैं 18 से 42 ब्लॉक Sector 2 से RW का, और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मैं अपने एरिया का सबसे यंग प्रधान रहा हूं। अब तक 40 साल के जो कार्यकाल है उसमें मैं सिर्फ मात्र 34 साल की उम्र में ही यहां का प्रधान बना हूं और सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के बना था, और इसका श्रेय भी दिल्ली पुलिस को जाता है कि इतने टिपिकल इलेक्शन में इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से हमारे एरिया का चुनाव करवाया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज अभी मंदिर मार्ग में पहुंचे हैं और हाथ से कभी सम्मेलन हो रहा है थाने के अंदर और आप लोग भी पहुंचे, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये आज पुलिस और पब्लिक के बीच का जो एक आपसी रिश्ता है, इसको पब्लिक के बीच के लिए एक दिल का रिश्ता जोड़ने का एक जो पुलिस डिपार्टमेंट ने खाके ने ये काम किया है, इसे लोगों के दिलों में एक, अभी मेरे एक साथी ने बताया था कि हंसना भूल चुके हैं, तो ये जो पहल है खाके की ये हमें बहुत पसंद आई, और हर हाल में हमारे इस एरिया की जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वो काफ़ी मुस्तैद नज़र आती है हर जगह। अभी कुछ दिन पहले G20 का हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि यूं ही नहीं होते हुआ G20 सफल, कुछ खाकी ने तूफान में भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाई है। वाल्मीकि रत्न सनी चंदेलिया जी, आज थाना मंदिर मार्ग पहुंचे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि हाथ से कभी सम्मेलन थाना मंदिर मार्ग के अंदर हो रहा है और तमाम कवि लोग आए हुए हैं और तमाम आम लोग भी इस हाथ से कभी का जो है जश्न मना रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार, और जैसे कि पहली बार मंदिर मार्ग थाने के अंदर और यहाँ कवि सम्मेलन ऐसा हो रहा है, और इतना अच्छा, क्योंकि हंसना, हम लोग जीवन में हंसते बहुत कम हैं क्योंकि हंसियाँ बहुत पीछे चली गई हैं, और जो यहाँ SHO साहब ने यहाँ कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखा है और पूरे गोल मार्केट से RW सभी RW मार्केट के और रेजिडेंट और सभी यहाँ पे आए हैं, और इतने अच्छे पूरा जो मंदिर मार्ग के जो पूरा स्टाफ है, मैं इनको रात के एक एक दो दो बजे भी देखता हूँ, SHO साहब को और इनकी पूरी टीम को, कि गोल मार्केट के अंदर अपनी एक्टिविटी रखते हैं रात तक, एक एक दो दो बजे तक इनकी पूरी टीम काम करती है, और सुबह फिर मैं इनको देखता हूँ तो ताल कटोरा साइड या कहीं पार्क की तरफ, कहीं चैन ना टूट जाए, किसी का मोबाइल ना छिन जाए, तो उसमें भी पूरी टीम इनकी एक्टिविटी रहती है। अपने हरेंद्र जी हैं यहाँ, हमारे हवलदार जी हैं और सागर जी हैं, और अपने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे जो काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में, और सबसे बड़ी बात कि आज SHO साहब ने जो ये हंसी का कवि सम्मेलन रखा है, बहुत ही आनंद आया, और यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और ऐसे थानों के अंदर क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि हम हंसना भूल चुके हैं।